हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सुबह से मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ का अपडेट दिया और फिर कमेंट बॉक्स भी भर जाता है क्योंकि इतनी सारी मूवीज़ देखते हो और उसके बाद फिर कमेंट जो है अब बिल्कुल भी रिप्लाई कर नहीं पाते हो। फिर जब मैंने देखा तो सब लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई इतनी मूवी शूवी देख ली। उसके अलावा पूछ रहे कि यार पठान कब इसका टीजर आएगा या फिर कब हमें प्रॉपरली इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा या कोई ग्लिम्स देखने को मिलेगी। कुछ अलग बिल्कुल ही साइलेंट हो गए। तो कुछ थोड़ी बहुत खबरें हैं इसके साथ रिलेटेड, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि ये ऑलमोस्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट है यशराज प्रोडक्शन की तरफ से। आपने टाइगर देखी थी, टाइगर जिंदा है देखी थी, फिर उसके बाद आपने क्या देखी थी, वॉर, जिसके अंदर थे ऋतिक रोशन और टाइगर खुद, मतलब टाइगर श्रॉफ। तो उसके बाद जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, दैट इज द इंस्टॉलमेंट वेयर एवरीथिंग विल कम टुगेदर। पठान भैया यहाँ पर आपको स्पाईगिरी करते हुए दिखेंगे, लेकिन इसके साथ दो इंपॉर्टेंट कैमियो और होने वाले हैं, विच इज द टाइगर हिमसेल्फ यानी सलमान खान, अविनाश नाम है उनका, और फिर साथ सिद्धार्थ आनंद की जो मूवी आई थी विच वॉज वॉर, उसके अंदर के जो ऋतिक रोशन है वो भी आपको यहाँ पर एक छोटू सा कैमियो करते हुए जाएंगे, जो बिल्कुल ही आपको टीज करेगा। ये एक्सटेंडेड कैमियो नहीं होगा, बट इट विल टाई एवरीथिंग टुगेदर, जिससे आपकी एक्साइटमेंट जो है वो छप्पड़ फाड़ के हो जाएगी। साथ ही साथ में जो इसका टीजर का जो कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, और वो बात झूठ नहीं है, 2 नवंबर को जब शाहरुख खान का बर्थडे है वहां पर आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या ये टीजर है, क्या ये ट्रेलर, क्या ये कोई एक्सटेंडेड कोई मोशन पोस्टर निकल के आएगा, वी डोंट नो, बट इट हैज बिकम अ नॉर्म दैट ऑन द बर्थडेज ऑफ दी सेलिब्रिटीज यू गेट टू सी समथिंग, चाहे वो प्रभास के बर्थडे के टाइम कुछ नया हो रहा हो, चाहे किसी भी साउथ की तो हीरोज के साथ तो बहुत ज्यादा चलता है कि जैसे ही उनका बर्थडे आता है तो कोई ना कोई मूवी का एक नया कोई एसेट निकाल दिया जाता है। तो आपको कुछ देखने को मिलेगा 2 नवंबर को, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू पठान, whether it is a small motion poster or समथिंग लाइक अ टीजर, वी डोंट हैव एन आंसर। अभी कुछ क्लैरिफाई भी नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर द रैप रखी जा रही हैं। अब एक और क्रिटिकल चीज़ इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जी ये ऑर्मैक्स की रिपोर्ट के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ है। इसके साथ ही टाइगर जो 3 आने वाली है वो भी मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट में, बट इनसे भी ऊपर आ गया है वो है जुगे हनी मैसाला और पुष्पा 2 को लेके जो एक्साइटमेंट लेवल है पब्लिक के अंदर, जनता जनार्दन के अंदर, वो सबसे ज़्यादा है। तो वो जो चार्ट है वो सबको ज़्यादा जैसे कहते ना सबसे ऊपर रख रहा है अपने आप को। लोगों का जो रुझान है सबसे ज़्यादा जो हो चुका है इस टाइम, और स्पेसिफिकली ये रिपोर्ट उस टाइम पे भी ली गई है जब मुहूर्त शॉट हुआ था पुष्पा 2 का, तो लोगों की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प थी। तो ऑर्गेनिकली जो लव मुझे लगता है जो पुष्पा को मिला फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो कई फोल्ड होने वाला है सेकेंड पार्ट के अंदर, और इसका टेस्टिमनी हमने देखा था KGF के अंदर। तो फर्स्ट KGF चल गई, लोगों की एंटिसिपेशन ज़्यादा बढ़ गई, और फिर 2 तो फोड़ ही दिया। बाहुबली के अंदर भी यही हुआ था। तो अगर फर्स्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो सेकेंड अगर इतना सा भी अच्छा होता है तो बहुत प्यार मिलता है। तो यहाँ पर पुष्पा को तो मिलने वाला है, और ये हम शायद टाइगर में भी विटनेस करेंगे। 1-2 इतनी अच्छी, तो 3 में क्या बम फटेगा वो हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल पठान की हम बात करें तो पठान का आपको कोई एसेट जरूर देखने को मिलेगा 2 नवंबर को। फिर आप जनवरी में तो मजे से मूवी देखना और 2 और हीरो के साथ देखना जो कि हैं सलमान खान, और साथ ही साथ में एक्चुअली मैं तो 3 में ये भी हैं ऋतिक रोशन भी हैं, और फिर साथ ही साथ में डोंट अंडर एस्टिमेट जॉन अब्राहम, यार यू नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। धूम जो सीरीज सबसे ज़्यादा हमारे दिल को छुई थी एक्चुअली में वो धूम 1 थी, और उसके अंदर कौन थे विलन बने हुए, जॉन अब्राहम। बाकी होपफुली आपको इस अपडेट से काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी, और कुछ पूछना तो कमेंट करके बता देना, या फिर यू कैन कम टू माय इंस्टाग्राम चैनल विच इज़ द सेम एज माय दिस चैनल विच इज़ मूवी शूट।